मसूरी के पास कैंपटी क्षेत्र में देर रात कैंपटी पार्किंग में खड़ी कार में अचानक आग लग गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं कार के आसपास खड़े दो पहिया वाहन और कार भी आग की चपेट में आ गए, जिससे वह जल गए। स्थानीय लोगों ने किसी तरह देर रात कार में लगी आग को काबू पाने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन भीषण आग होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया गया और कार जलकर पूरी तरह खाक हो गई। वहीं कार में लगी आग की सूचना मिलते ही कैंपटी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आग ने कार को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया था। कार स्वामी राष्ट्रीय राजमार्ग के जूनियर इंजीनियर नीरज कुमार ने बताया कि देर रात को वह आधिकारिक कार्य से कैंपटी आए थे और देर रात को कार कैंपटी पार्किंग में पार्क करके अपने रूम में चले गए थे। उन्होंने बताया कि कार में बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे जो जलकर पूरी तरह से राख हो गए। क्या नाम है आपका? धीरज। हाँ धीरज भाई, क्या कहेंगे, यहाँ पे एक गाड़ी जली है, आपकी गाड़ी है, किस तरीके से ये गाड़ी जली है और कब आपने गाड़ी खड़ी करी थी? रात 8:30 बजे गाड़ी खड़ी करी, उसके बाद कुछ नहीं पता, सुबह 4 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई गाड़ी से धुआं निकल रहा, आगे देखा तो गाड़ी खत्म हो गई थी। कुछ पुलिस के भाई बंधु और लोकल बंधु थे जिन्होंने आग बुझाई होगी, हमें तो कुछ, हम तो सो रहे थे। कहीं पे किसी को शक तो नहीं है? कोई नहीं, शक तो किसी पे नहीं, ना किसी से कोई बहर है, ना किसी से कोई लड़ाई है, कोई शक नहीं। कोई नुकसान, कोई कागजी कार्रवाई जो थी? हाँ, कागज मेरे खैर ऑफिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ राजमार्ग के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पेपर थे जो खत्म हो गए हैं, कुछ पर्स था, एक कार्ड वगैरह कुछ होगा, वो अब देखने के बाद पता चलेगा उसमें क्या क्या बचा है। क्या तो क्या मानते हैं किस तरीके से जली हुई, कुछ अंदाजा? कुछ अंदाजा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हेलो उत्तराखंड न्यूज, मसूरी।